देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज। इस वक्त विरार के मुख्यालय के सामने प्रहार जनशक्ति पक्ष ने एक भव्य मोर्चा खोल रखा है और उनका मुख्य कारण यह है कि पानी का। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हितेश यादव, आइए जानते हैं उनसे। सर क्या बताएंगे, क्यों आपने आंदोलन किया है? गए 25 साल से लोग ये पानी के लिए तरस रहे, लेकिन महापालिका सिर्फ आश्वासन दे रही है और इधर के लोक प्रतिनिधि उन्हें सिर्फ आश्वासन खिला दे, और पानी के लिए जो राजकारण किया जा रहा है इसके खिलाफ हम आज हंडा मोर्चा निकाले हुए हैं। हमारे अनेक मुद्दे हमने महापालिका को बार बार देते हुए कहा कि आप लोगों को पानी दो, पानी के लिए राजकारण मत करो, लेकिन महापालिका कोई भी चीज़ की दखल नहीं रही, इसलिए हमें रस्ते पर उतरना पड़ा। सर सत्ताधारी पक्ष ने पहले भी ये चीज़ बहुत बार कही है कि इतने MLD पानी वसई विरार में आया, तो किस हिसाब से पानी कम है, क्या बताएंगे और जनता को क्या बताना चाहेंगे? नहीं, क्या होता है, सत्ताधारी इधर के बोल देते हैं लेकिन बोलने के बाद उस पर कुछ डेवलपमेंट तो नहीं हो रही है, इसलिए तो लोग रस्ते पे उतर रहे। और अगर सत्ताधारी ने आज तक 25 साल में यही किया है, लोगों को झूठे आश्वासन ही दिए, उससे उसके अलावा लोगों को कुछ नहीं उन्होंने किया है। और महापालिका को और मैं इधर के सत्ताधारी को कहना चाहता हूँ, अगर लोगों को पानी नहीं मिला तो हम इससे खतरनाक आंदोलन करेंगे जिससे महानगर पालिका को तकलीफ होगी, यह हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बताना चाहेंगे। मैडम क्या बताना चाहेंगे पानी की कमी को लेकर? हमारे घर पे चार चार पाँच पाँच दिन पानी नहीं आ रहे और ये लोग क्या बोल रहे, स्वच्छ रहा सुरक्षित रहा, पानी नहीं आएगा तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? और अभी हम लोग का बच्चे लोग का स्कूल भी चालू हुआ है, हम लोग बच्चे लोग को स्कूल में कैसे भेजेंगे? बच्चे लोग आएंगे तो हमको नहलाना है, धुलाना है, उनको साफ करना है, चार चार पाँच पाँच दिन पानी नहीं छोड़े तो हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग के पानी का अंडा कल से आंदोलन रखा है। मैडम क्या बताएंगे आप? हम ये बताएंगे, मुझे 30 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, मैं खुद रोज नमक पानी से नहाती हूँ, एक बिल्डिंग में रह के 1500 रुपया साल का भर के एक महीना भी पानी नहीं मिलता है, 15 मिनट सिर्फ पानी आता है। अभी मेरा बिल बाकी था, मैंने बोला मेरे पास कैश नहीं है, बोलते मैम चेक दे दीजिए, बट पैसा दीजिए, पानी का सोचिए मत। प्रशासन से क्या मांगे आपकी, क्या मांगे? हमें यही है कि हमें पानी चाहिए और ऐसे हम जाएंगे जब तक वो दिक्कत नहीं करेंगे। सर क्या बताएंगे आप? सर अभी ये इधर 30-35 साल ये लोग का सत्ता है, अभी ये जो अधिकारी BMC के बोल रहे कि अमृत योजना ला रहे, इसके लिए दिक्कत हो रही है पानी की, अभी ये 30 साल में अमृत योजना नहीं हो रहे थे, 8 दिन में 10 दिन में हो जाएगी क्या? हम लोग को आश्वासन कितना दिन देगा, 8 दिन का देगा, लेकिन 8 दिन में यशस्वी हो जाएगा अमृत योजना, और तुम लोग 5 दिन 6वें दिन पानी छोड़ते, वो एक 5 दिन का पानी कैसे भरेगा पानी, एक कनेक्शन का पैसा भी देने के बाद आज का साल में किया जाएगा, उसका काम होता ही नहीं है। साल में 365 डेज रहते हैं, पानी कितना आता है, सिर्फ साल में 40 दिन पानी आता है, पूरा पानी पट्टी लेते हैं 1500 रुपया, वो लोग को शर्म नहीं आते पूरा साल का पानी पट्टी लेने के लिए, पानी पट्टी लेने नहीं देंगे तो पानी का लाइन कटाते, एक साल भी नहीं देते पूरा नल कट देते, तो फिर क्या फायदा हम लोग का पानी पट्टी भर के, हम लोग नहीं भरेंगे फिर पानी पट्टी, टैंकर में टैंकर के लिए वो लोग के पास पानी रहता है, टावर के लिए पानी रहता है, और जो वॉलमैन रहता है, जो स्थानिक नगर सेवक है, उनके इशारे पे चलते हैं, इधर पानी कम छोड़, इधर पानी ज्यादा छोड़, उनके इशारे पे सब चलता है इधर। आज पानी के चीज़ों को लेकर वसई विरार की जनता यानी महिलाएं क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी रास्ते पर उतर चुके हैं, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में प्रशासन इस पर कितना ध्यान देता है। वसई लाइव न्यूज़ के लिए विशाल गुप्ता, वसई विरार।